लंग कैंसर से पीड़ित 6 वर्षीय अध्यापिका के इलाज के लिए करीब 80,000 रूपए जुटाए और पीजीआई के रविदास भवन में दीपिका के पिता कृष्ण लाल को सौंप दिया। 6 वर्षीय दीपिका ब्लड कैंसर से पीड़ित है और इलाज के लिए उसका पूरा परिवार हरियाणा के करनाल से पीजीआई आया हुआ है। दीपिका के पिता कृष्णलाल बताते हैं कि उनकी बेटी को पहले स्किन ट्यूमर था। वर्ष 2013 में वह उसके इलाज के लिए करनाल से पीजीआई आए थे। उस समय स्किन ट्यूमर तो ठीक हो गया था, जिसके बाद वो अपने घर चले गए थे, लेकिन उसके बाद उनकी बेटी को ब्लड कैंसर हो गया। पीजीआई के डॉक्टरों की माने तो उनकी बेटी की बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, जिसके लिए डॉक्टरों ने 2 लाख रुपए से अधिक का खर्च बताया है। अब उनके पास पैसे नहीं है कि वो उसका दोबारा से इलाज करा सके। उनकी बच्ची के इलाज के लिए वो इस ग्रुप का दिल से धन्यवाद करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो दीपिका के इलाज के लिए उनकी मदद करे। 2013 में स्किन ट्यूमर हुआ था, 1.5 साल तक उसके इलाज चला, ठीक हो गई थी, हम घर चले गए थे बीच में। तो अब जनवरी में फिर इसको ब्लड कैंसर हो गया PML। डॉक्टर कहते हैं अभी ठीक तो हो जाएगी, 6 महीने से लेकर पूरा 8 महीने तक आपने चंडीगढ़ में रुकना पड़ेगा, पूरे इलाज तो इसका चलते रहेगा 2 साल तक। खर्चा तो जैसे अब पीछे जनवरी में 2 लाख का दिया था एस्टिमेट बना के, तो आगे अब इसकी टैबलेट चलती है 200-250 रुपए की डेली की गोली है, वो महंगी गोली है, वो ये नहीं पता वो कितने दिन तक चलेगी, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, वो अभी बताया नहीं डॉक्टरों ने। लोगों से अपील करना चाहता हूँ, मैं पिछली बार भी करना चाहता था, पिछली बार तो कोई मत नहीं हो पाई। अब की बार एनजीओ शहीद उधम सिंह वाले एनजीओ वाले मदद कर रहे हैं, इनका बहुत कुछ शुक्रिया, धन्यवाद। लोगों से भी अपील करते हैं जो भी मदद हो पंजाब विश्वविद्यालय से पास आउट स्वर्णजीत सिंह बताते हैं कि आज हम आसपास इतनी नकारात्मकता देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके आसपास ऐसे ही कार्य हो रहे हैं। उन्हें एक गैर सरकारी संस्था द्वारा पता चला कि करनाल से 1-6 वर्षीय बच्ची पीजीआई के रविदास भवन में रुकी हुई है, जिसे इलाज के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने फेसबुक पर इसकी एक वीडियो बनाई और अपने सभी दोस्तों से अपील की कि वह बच्ची के इलाज के लिए मदद करे। उनके सभी दोस्तों ने मिलकर 80,000 रूपए इकट्ठे कर लिए, जो दीपिका के पिता को सौंप दिए गए। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अब NRIs हो चुके हैं, एज वेल एज ये पंजाबी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, गर्ल्स और बॉयज और एज वेल एज ये पंजाबी